आज मैं आप लोगों को स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग स्क्वायर कैसे फास्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा देखिए, हमारा जो स्क्वायर स्क्वायर पहला स्क्वायर है 54, यानी कि अब ये देखना है कि ये जो 54 जो है ये 50 से कम है या ज़्यादा है। अगर ये हमारा जो स्क्वायर है अगर 50 से कम भी है या मतलब ज़्यादा भी है तो हमें जो बेस नंबर जो वो मान लेना है 25। 25 हमें हमेशा बेस नंबर रखना है, या नंबर नंबर जो है 50 से कम हो या 25 से या 50 से अधिक हो। तो देखिए 54 का हमें स्क्वायर करना है, तो पहला जो संख्या आ रहा है वो आ रहा है 4, तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16। और 4 क्या करेंगे, इसमें जो 25 जो है इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 29 16। वैसे ही मान लीजिए कि 56 है, 56 का हमें स्क्वायर करना है, तो फिर हमारा जो हो गया 25, 56 तो 6 का होता है 36, और इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 36। ये हमारा दोनों का आंसर हो गया, जो कि आंसर हमारा आना चाहिए। स्क्वायर रूट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 5 के पहले जो आता है वो 4 आता है, 4 का कितना होता है रूट, रूट कितना होता है वो 2 होता है। और फिर मान लीजिए जो 6 जो है, जो 6 जो वो आता है, या तो 4 के स्क्वायर में ये 16 या 6 के स्क्वायर में 36। तो ये देखना है कि जो 4 है और जो 5 है ये 5 से 4 अधिक है या 6 जो है वो कम है। तो हमारे जो 4 है वो कम है, 5 से कम है, तो ये हो गया 4। आपका ये रूट आपका ये निकल गया। जब आप रूट निकालेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो पहला जो संख्या है उससे पहले ध्यान देंगे तो ये जो संख्या ये 92 से ये 92 है, तो 92 जो है वो 81 से जो है वो कम है। तो 81 का रूट कितना होता है, वो होता है 9। और देखेंगे 6 जो है वो लास्ट में कितना आती है, तो 4 का करेंगे स्क्वायर तो ये होता है 16, और करेंगे 6 का स्क्वायर तो ये होता है 36। तो हमारा जो 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 16 है जो 16 है वो देखेंगे कि जो जो 9 जो है वो 16 से कम है या 9 जो है वो 36 से ज़्यादा है। तो 9 जो है वो देखिए वो 4 से जो है वो कम है, तो यहाँ से कर देंगे 96। ये 96 का हमारा ये रूट हो गया, जो कि इसका आंसर है। आज मैं आप लोगों को वर्ग वर्ग का ट्रिक बताऊंगा कि वर्ग आप लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी संख्या का हो, चाहे वो एक अंक का संख्या हो, दो अंक का संख्या हो, या तीन अंक का संख्या हो, या चार अंक का संख्या हो, पांच अंक का, जितना भी अंक का संख्या हो आप लोग सब वर्ग निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग ट्रिक देखते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं कि 58, 58 का स्क्वायर क्या होता है। हमने जो अभी ये जो 25 जो लिखा है, तो 25 जो है आप लोग को बेस संख्या मान लेना है, चाहे वो 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखना है जो संख्या 58 जो है ये 50 से कम है ज्यादा है, तो ये 50 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, 8 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। जो 8 होता है वो क्या करना है, 25 में ऐड कर देना है, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 33 64। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा।